कल के लेक्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आया तो बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर कल चलिए
एग्जाम्पल है, मैंने भी मेंशन भी किया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपने प्लीज आप नोट भी करना है और सेव भी रखना अपने पास, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को इसमें एक दो बातें और ऐड करवा दूंगा और इसी एग्जाम्पल को हम बाद में भी सॉल्व करेंगे। आज 12 सेम डेटा होगा, उसकी रीजन ये है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस तरह का सवाल तो आपने पहले भी एफ वन में किया है, तो सेम डेटा आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें टैक्सेशन का इफेक्ट नहीं होगा, और सेम डेटा आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें इनकम टैक्स एंड डेफर टैक्स का इफेक्ट होगा, तो आपके लिए जरा उसको जरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल जाती है। अच्छा यहाँ यहाँ चेंज, मैं भी कुछ बता दूंगा बातें, लेकिन खुद से भी अगर आप उसको देखना चाहें तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। अच्छा टैक्सेशन ना होता तो ये आंसर ऐसे होते, टैक्सेशन अगर है तो ये आंसर इस तरह से आ रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। वरना तो किसी भी सवाल पे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो तो मसला कोई नहीं है, लेकिन उससे कंपेरिजन अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैं एक ही तरह का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाता हूँ ताकि कंपेरिजन बन जाए। ठीक है, सॉल्व करते अगर आपने नोट कर लिए, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एसोसिएशन ये हमारी रिक्वायरमेंट बन जाएगी एसोसिएशन। अच्छा यहाँ पे मैंने ना एक चीज मेंशन की है, वो क्या है कि मैंने ये लिखा है कि प्रॉफिट फॉर ईच ईयर बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एनी आइटम रिलेटेड टू प्लांट यूज। ये जो प्रॉफिट जो बना ना 50,000 जो भी 60,000 आ रहा है हर साल का, जो भी हर साल में जो इसमें है ना, वो प्लांट से रिलेटेड कोई चीज भी जस्ट नहीं है, मतलब ना प्लांट की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हुई है, कोई रिवैल्यूएशन लॉस अगर आया हुआ है तो वो भी इसमें से पीएनएल में जो रिकॉर्ड होता है वो भी माइनस नहीं हुआ। तो ये वो वैल्यू है जिसमें एनी आइटम रिलेटेड टू प्लांट कुछ भी इसमें से प्लस या माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कैसे हम ये जो प्रॉफिट गिवन है ये वैल्यू एडजस्टेड नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक पीएनएल और एक दूसरा होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये प्रॉफिट की जो गिवन वैल्यू है मैं लिख देता हूं, ये फाइनल नहीं है, इसमें हम कुछ प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे साथ साथ यहां पे चेंजेस करते जाएंगे तो हमारे पास एंड पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एंड पर जो प्रॉफिट आ जाएगा वो फाइनल आ जाएगा। तो टैक्सेशन तो जाहिर नहीं है तो प्रॉफिट ही फाइनल प्रॉफिट होगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास दो चीजें आ सकती हैं, इस एग्जांपल में रीवैल्यूएशन गेन या लॉस, और एंड पे आ जाएगा टीसीआई। टीसीआई का मतलब है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा ये, पीपी आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और टैक्सेशन वगैरह तो नहीं है, और हमारे पास यहां पे इक्विटी में क्या आ जाएगा अगर आएगा तो रिवैल्यूएशन सर।
जी यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग एंट्री वाले जी वो आप देखते रहेंगे फिर रिमूव करते रहेंगे जहां पर का मतलब
नेट बुक वैल्यू के वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए नेट बुक वैल्यू के इधर साइन सेम है डेबिट क्रेडिट के और इधर साइन सेम है. इधर क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव, डेबिट का मतलब नेगेटिव. फर्स्ट जनवरी 2021 को हमने प्लान बाय जीएम इंडस्ट्री डब्ल्यूटी बना के लिखी है. अब जिन जिन के लेजर बन रहे होंगे उन में हम ये प्रेजेंट कर देंगे. यहाँ बैंक का लेजर बन नहीं रहा इसलिए मैं बैंक को इग्नोर कर दूंगा. तो प्लांट डेबिट हो रहा है मतलब ये कॉस्ट या वैल्यूड अमाउंट वाला कॉलम डेबिट तो हमने बाय किया. पर्टिकुलर में हम पर्चेज लिखे बाय लिखे कोई मसला नहीं. डेबिट का मतलब 15,000 या पॉजिटिव आ रहे. इस डबल एंट्री में अकोमोडेटेड का कोई नाम नहीं है, जीरो आ गया. नेट बुक वैल्यू में इन दोनों का क्या आ जाएगा, साम आ जाएगा. साम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15,000. इस डबल एंट्री में सरप्लस का भी कोई नाम नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस का भी कोई नाम नहीं. इस साल रिवैल्यूएशन हो रही है, इस साल रिवैल्यूएशन हो रही है लेकिन रिवैल्यूएशन साल के एंड पे होती है. तो पहले हम टेम्पररी सेशन वगैरह चार्ज करने के बाद वो बैलेंस क्या करेंगे, अपडेट करेंगे नेट बुक वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र ना हो तो उसको हम क्या करते हैं, जीरो. तो हमारे पास कितनी आ गई थी, 1500.
इसको वर्टिकली मैं साफ कह रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 13,500। कल हमने नेट रिप्लेसमेंट मेथड के तीन स्टेप पढ़े थे। हमने कहा था ये स्टेप कब अप्लाई होते हैं, जिस दिन हमने क्या करना होता है, हमने रिवैल्यूएशन काउंटिंग करनी होती है। तो स्टेप नंबर वन तो हम कर चुके हैं, स्टेप नंबर वन क्या था, नेट बुक वैल्यू को अपडेट करना, वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, कि अब हमने गेन लॉस रेक्टिफाई करना है। हम जबानी कर देते हैं, जबानी बात है, नेट बुक वैल्यू कितनी है 13,500। ये देखिए सेल वैल्यू कितनी है उसे दिन की, वो क्वेश्चन लिखी हुई थी 40,600। अगर सेल वैल्यू या रिवैल्यू अमाउंट ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन गेन आ गया। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर टू, हमने जुबानी बात कर ली। स्टेप नंबर वन वैसे हो गया, स्टेप नंबर टू हमने जुबानी बात कर ली, कितने का गेन आ रहा है 1100 रुपए का, 13,500 का मुकाबला किया 40,600 से, कितने का गेन आ गया 1100 रुपए। आप चलते हैं स्टेप नंबर थ्री में। स्टेप नंबर थ्री में रिवैल्यूएशन गेन आ चुका है। रिवैल्यूएशन गेन की काउंटिंग करने से पहले हमने क्या करनी है, एलिमिनेशन करनी है। तो पहले करेंगे एलिमिनेशन। अब हम स्टेप थ्री पे आ गए। डेप्रिसिएशन डेबिट एलिमिनेशन की हमेशा यही एंट्री होगी, और ये एंट्री तब होगी जब रिवैल्यूएशन डेट होगी। एलिमिनेशन की एंट्री कितनी अमाउंट से करनी होती है, जो भी बैलेंस टोटल डेप्रिसिएशन का आ रहा होता है, जो भी टोटल बैलेंस होगा, टोटल बैलेंस एक साल का बैलेंस नहीं, टोटल बैलेंस, यहां पे तो जो कभी हुआ है एक साल है ना, कभी वो मैच का रहा है, टोटल बैलेंस ये डेबिट और क्रेडिट कितनी एंट्री कर लेते हैं। पहले एलिमिनेशन की एंट्री होगी, नेक्स्ट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की। हमने कल एक शॉर्टकट याद किया था कि अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो, वैसे तो ये जो फॉर्मेट बनाते हैं इस फॉर्मेट से आंसर गलत होने के चांस, अगर हम ठीक इसको बनाए तो चांस कम होते हैं आंसर गलत होने के, क्योंकि हमारे पास वो बैलेंस वगैरह क्या आ रहा होता है, नजर आ रहा होता है कि सरप्लस का बैलेंस आ रहा है क्या, कोई पीएनएल का बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे साथ बैलेंस भी फॉर्मेट अवेलेबल है, आप देखिए हमारे पास ना कोई सरप्लस का बैलेंस आ रहा है ना कोई पीएनएल का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, कल ही हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो तो जो रिवैल्यूएशन गेन आता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, गेन है तो प्लान डेबिट 1100 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट
एडमिशन कैसे होगी? साथ ही फिर रिवैल्यूएशन गेन आए, इसी में हमने एंट्री कर ली है, डेबिट क्रेडिट कर लिए, हमने उससे अकॉर्डिंगली क्या करना है, लेजर्स में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो क्या एंट्री बनेगी? जी एसेट डेबिट हो रहा है, यही वाला एसेट का मतलब ये कॉल डेबिट 1100 से। इस एंट्री में इतना कुछ नहीं, इधर सांप आता है दोनों, ये अभी तक डेबिट हुआ। दूसरा क्या था, ये सरप्लस क्रेडिट, ये लेजर सरप्लस है। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव या कुछ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन से पहले भी बैलेंस अपडेट होना चाहिए, बाद में भी अपडेट होना चाहिए। बाद में इस वक्त अपडेट करने का फायदा ये है कि इसके बाद तो ये रेंट भी है, तो ये रेंट पे भी तो अपडेट करना ही होता है। तो करके दिसंबर 21 या हम लिखेंगे बैलेंस SOF भी लिख सकते हैं, बैलेंस ये रेंट भी लिख सकते हैं। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। जब हम बैलेंस ये रेंट या SOF पे लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये इस साल का आखिरी बैलेंस है, फाइनल बैलेंस। ये भी बैलेंस था लेकिन ये फाइनल था। ये रेंट लिखने का मतलब है ये फाइनल बैलेंस है। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी भी मोमेंट नहीं आता तो ये सीख ले, या अगर फाइनल तक चल रहा है आगे पिछली चार मान में भी रिपोर्टिंग में भी ये चीजें होती है, इस तरह की कई चीजें हैं, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़नी है। तो ये वन टाइम एफर्ट है, जिसमें सीख लिया आपको तो पता ही है, ये वन टाइम एफर्ट है। एक बार एफर्ट करेंगे और यकीन करें कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते हुए जिन्होंने काफी क्वेश्चन किए हैं वो तो डेबिट कार्ड का साइन भी देखते हुए इतना सवाल करके याद हो जाता है। चाहे रिलेशन है तो या पॉजिटिव लिखते हैं या नेगेटिव लिखते हैं, इतना भी याद हो जाता है। तो ये वन टाइम एफर्ट है, इसको एक दफा करते हैं। रिपोर्टिंग 600, ये मैं सिंपल बैलेंस की टोटलिंग कर रहा हूं। एंट्रीज होगी, आंसर आ गए। अभी हम यहां पर एक्सट्रैक्ट में आकर क्या करते हैं, चीजों को अब फाइनलाइज कर लेते हैं। जी पहले यहां पर आ जाते हैं, एसोसिएट। जी एसोसिएट में इस प्लान से रिलेटेड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ क्या आना है, डिप्रिसिएशन। और तो मेरे ख्याल से कुछ भी एक्सपेंस वगैरह पीएनएल में नहीं आना या इनकम नहीं आनी। तो यहां आ जाएगी डिप्रिसिएशन, लेस कर देंगे जी कितनी हमारे पास थी, 1500। और तो मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन और तो कुछ पीएनएल में नहीं है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं क्योंकि अगले साल कुछ चीजें आनी है फॉर्मेट में, तो थोड़ा सा गैप देके यहां पे आप क्लोज कर लेते हैं जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है। इस एग्जाम्पल में कितना आ गया, 48,500। रिवैल्यूएशन गेन और लॉस पीएनएल में भी रिकॉर्ड हो सकता है, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ओसीआई में भी रिकॉर्ड हो सकता है। जब रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब होता है कि उसको हमें फॉर द ईयर थ्रू ओसीआई रूट करना होता है। तो यहां पर इस साल 1100 रुपये देना है, सरप्लस में अवॉर्ड हुआ है, सरप्लस का मतलब है उसके। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बैलेंसेस अभी तो मैच कर रहे हैं, याद रखिएगा पूरी की पूरी जो एसोसिएट होती है ना, एसोसिएट होती है फॉर दी ईयर,
यहाँ फॉर द ईयर के आंसर आते हैं और जो बैलेंस शीट होती है एसआर की वहां पर क्लोजिंग ईयर एंड के साल के जिस साल के बता रहे हैं सारे क्लोजिंग आंसर है। यहाँ पे हमारे पास वो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, दिखाईगा रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है, ये नेट बुक वैल्यू बैलेंस शीट पे कितनी की आती है नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू लिखनी ये वाला आंसर लिख रहा हूँ, हालांकि उसे मैच कर रहा है लेकिन मैं कौन सा आंसर लिख रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस ये वाला नेट बुक वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,600 और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ क्योंकि पहला साल है तो बाय चांस फॉर द ईयर प्रीम 1100 रुपए ही है ओसीआई और क्लोजिंग बैलेंस भी 1100 रुपए ही है, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस मैंने फिगर लिखी ना 70 की वो मैंने जे वाली लिखी है और ओसीए में मैंने कौन सी फिगर लिखी थी जे वाली, ठीक है 35 होगी। चल नेक्स्ट बात करते हैं, पहला काम क्या होगा अगर आप सीक्वेंस में चलें तो पहला काम क्या होगा अब अगले साल रिवैल्यूएशन अगले साल में तो पहला काम सीक्वेंस में क्या होगा हम एसेट को इस्तेमाल करें डेप्रिसिएट करें डेप्रिसिएशन डेबिट जी कितने बचे होगी फॉर्मूला क्या आता है जब रिवैल्यूएशन होती है ना जब रिवैल्यूएशन होती है तो सब्सिक्वेंट ईयर की डेफिसिट चेंज हो जाती है क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है सर की, तो 14,600 लेटेस्ट फेयर वैल्यू आर भी दी माइनस रिमेनिंग जिंदगी 9 पूरा साल राउंड ऑफ कर दे 1,6,2 राउंड ऑफ कर दीजिए हमेशा किस पॉइंट में होगा है पॉइंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ या कुछ नहीं आएगा क्रेडिट हुआ तो 1,6,2,2 से क्रेडिट यहां पे भी सामान्य। अच्छा मैं एक चीज बताता हूं जहां पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बड़ा सिंपल सा रूल है जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो इस फॉर्मेट में सामने जाती है वरना मिस्टेक हो जाती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैंने कुछ चीजें डिफरेंट सीखी है लेकिन जब हम पढ़ा रहे हो तो चीजें कोशिश होती है आसानी से बनाए तो यहाँ पे गलती हो सकती है, तरीका क्या है अगर हम फॉलो करें तो गलती शायद ना हो, तरीका ये है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ना और यहां तक बाद जैसे मैं आ गया उसके बाद अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है या रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा होगा या रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल का बैलेंस आ रहा होगा या दोनों नहीं आ रहे, अगर दोनों नहीं आ रहे होंगे तो कुछ भी नहीं करना, जैसे पिछले साल जब मैंने ये जो बोलना सही कह रहे हो हाँ तो मैं बता
कि तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है जी। जैसे मैं बताया था कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर दोनों का बैलेंस ना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे हमने पिछले साल किया। वो बता रहा था कि पिछले साल जब हम डेफिसिट चार्ज कर रहे थे कि यहाँ पे कोई बैलेंस दोनों का नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया। तो तीन पॉसिबिलिटीज होगी, अगर दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले साल कोई काम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया। अब अगली पॉसिबिलिटी, जब आप डेफिसिट चार्ज कर रहे होंगे, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होगा तो हमने चूंकि लिखा हुआ कि एनुअल बेसिस पर ट्रांसफर करना है, कुछ नाम भी बताया हो, साइलेंस भी हो तब भी हम ट्रांसफर करते हैं, ये भी कल बात हुई थी। तो अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा होगा तो उसे हमने क्या करना है, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये चार्ज कर दी, जहां पर सरप्लस का बैलेंस नहीं आ रहा, इसका बैलेंस आ रहा सिर्फ, तो फिर अगर इसका बैलेंस आ रहा है तो इसमें हम क्या कंप्यूट करते हैं, डेप्रिसिएशन से, क्योंकि लॉस बुक, जब लॉस पीएनएल बुक हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है, हमने ऐसे वक्त सारी बातें की है कि रिफ्रेश करो ताकि जिसने नहीं पढ़ा हुआ या जो भूल चुके हो याद आ जाए। जब हम रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल बुक कर देते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में बुक होने का मतलब ये होता है कि जो हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, वो हमारे उसी एसेट की उसी दिन की नेट बुक वैल्यू जो कॉस्ट मॉडल पे होती है उससे भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। देर बाय अब जो कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन अगर होती उससे भी हमारी डिडक्शन क्या हो रही है, कम चार्ज होगी। देर बाय हमें क्या आएगी, एक डिडक्शन सेविंग आएगी, उसको इस एक नुकसान की वजह से एक खर्चे में बचत होगी। एक नुकसान पीएनएल की वजह से जो रिकॉर्डों से खर्चे में बचत हो रही है, तो हमें हमें नेट नुकसान कम हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन सेविंग कंप्यूट करते हैं। एक नुकसान लॉस पीएनएल बुक होने की वजह से एक खर्चा डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, तो टेक्निकली हमें ये नुकसान नेट हो रहा है, नेट नुकसान कम हो रहा है। 10 का लॉस बुक हुआ है, उससे हर साल 2 रुपए की डिडक्शन की साल की बचत आ रही है, तो हमें एक साल के बाद अगर हम हिसाब लगाए तो हमें 10 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, कितने का नुकसान हुआ है, 8 रुपए नेट ऑफ सेविंग डेप्रिसिएशन। तो हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल बनाई है इसमें लॉस वाला एलिमेंट भी आएगा मेरे ख्याल से याद है। तो यहाँ पर अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। तो तीन पॉसिबिलिटी ना, कुछ ना हो दोनों बैलेंस ना हो तो कुछ नहीं करना, सरप्लस का बैलेंस आ रहा हो ये एंट्री करते वक्त, ये एंट्री करते वक्त ये नहीं बोलना, तो सरप्लस के बैलेंस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, और अगर ये बैलेंस आ रहा हो तो इसकी हमने क्या करनी है, सेविंग की वृद्धि करनी। तो इस वक्त इस एग्जाम्पल में इस ईयर में हमने डेफिसिट की एंट्री चार्ज की, तो हमारे पास सरप्लस का बैलेंस आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। इसका तरीका एक ही फॉलो करना है, वो क्या है, इस बैलेंस को किससे डिवाइड कर देना है, रिमेनिंग लाइफ से, मल्टीप्लाई बाय एन बाय 12, एन मीन नंबर ऑफ मंथ, एसेट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 12, साल में 12 महीने आजकल, तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास अगर मैं सिर्फ वर्किंग यहां पर लिख दूं, 1100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12 बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा 122। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग की हमेशा एक होती है, वो क्या होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो सरप्लस से डेबिट होना है, अभी एंट्री लिख देते हैं, डेबिट होना है, तो 122 से डेबिट का मतलब नेगेटिव। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 122। जिस किस्म
शुद्ध बात सुनेंगे क्या क्या सुनेंगे निकेशन का इतना एक बात याद रखो एक मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और हमारा एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होगी सरप्लस की, ये वही है, ये बैलेंस खत्म हो जाना है। ये जो अभी डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि ये जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं ना, डेप्रिशिएबल एसेट्स में क्या होता है कि अभी तो इनकी वैल्यू ज्यादा है, हम कहते हैं जी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है ना तो ये अपनी स्क्रैप वैल्यू पे आ जाते हैं। तो तब आज तो आपको लग रहा होगा जी इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, हम आज इसको बेच के फायदा कमा सकते हैं, बट अगर आप कहते हैं जी हमने इसको इस्तेमाल करके इसका फिर से फायदा लेना है, तो जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये सरप्लस नहीं रहेगा, मतलब जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये इसका इसकी आपकी बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसमें कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने कल बात भी की थी कि फ्यूचर से क्या किया हुआ है कि हम हर साल जितना सरप्लस रियलाइज हो रहा है उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे रिटेन्ड में। ये 9 साल की रिमेनिंग जिंदगी है सर की, तो इसने 9 साल में डेप्रिशिएट होना है, तो ओवर 9 ईयर्स आपने क्या कर देना है, इसको ट्रांसफर कर देना रिटेन्ड में, हर साल एक अमाउंट ट्रांसफर करते जाएंगे और जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो सरप्लस का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो। हम ये भी डिस्कस करते हैं एफ1 में कि जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो ना ही सरप्लस का भी बैलेंस आ सकता है ना ही इसका भी बैलेंस आ सकता है, अगर हम अगर वाली बात पहले नहीं हुई, अगर हम एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमने कल पढ़ा ना ये मैटर ऑफ चॉइस होती है कंपनी के लिए, तो ये जो रूल है ना ये सब एप्लीकेबल होता है। अगर आप एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अगर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे होगे तो जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी और आपने उसको बेचा भी नहीं होगा तो वो बैलेंस आ रहा होगा, इसलिए प्रेडिक्टिंग भी कंपनी ट्रांसफर करती है और क्वेश्चन में लिखा भी होता है और कुछ ना लिखा भी और काफी हम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि उससे आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व बढ़ जाते हैं ट्रांसफर करते हैं। ठीक है 1.2 अब आ गया नेक्स्ट काम क्या है हमारा, अब दोबारा रिवैल्यूएशन डेट आ गई है, अब बैलेंस अपडेट करते हैं। मैं इसको बैलेंस देख रहा हूँ क्योंकि साल में मेरी वैल्यूएशन भी है, ये बताइए 9 7 8 जी मैं ठीक कर देता हूँ 9 7 आप ठीक मैं ठीक कर देता हूँ जी। ठीक है और यहाँ कुछ नहीं है, इस वर्किंग का हमें फायदा होता है कि अगर हमें फॉर्मेट नहीं बना रहे होंगे ना तो जब भी दोबारा रिवैल्यूएशन होगी ना तो हमें साइड पे वर्किंग करनी पड़ती है, चाहिए ये सरप्लस आया था ये ट्रांसफर हो चुका तो इतना बैलेंस है, इसका फायदा ये है कि बैलेंस हमें हर वक्त हमें पता होता है डेट पे कितना आ रही है। स्टेप नंबर 1 रिवैल्यूएशन का हो चुका है, हमें नेट बुक वैल्यू वगैरह अपडेट करनी हुई है। स्टेप नंबर 2 क्या है लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या था नेट बुक वैल्यू कितनी है 1-2 वर्सेस फेयर वैल्यू कितनी है 10,000, तो ये भी हमारा रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 2-4 टोटल लॉस कितना आ गया 2-4 7-8 लॉस को भी कॉन्फर्म करना है और उससे पहले एलिमिनेशन भी करनी है।
तो मैं एलिमिनेशन की एंट्री करते हैं। ओके जी, अब तो उम्र लेते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लान क्रेडिट कितने से गिनेंगे, जितना भी हमारे पास टोटल बैलेंस आ रहा होगा, ये सुबह टोटल बैलेंस आ रहा है 1622। ये हमारे पास होगी एलिमिनेशन गेट। नेक्स्ट लॉस की एंट्री करते हैं। लॉस में पहला साथ काम क्या होता है कि एसेट को क्रेडिट करो टोटल लॉस, टोटल लॉस, लॉस एसेट ने टोटल लॉस से क्रेडिट होना है, उसके हिस्से बन जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बुक होना है और रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बुक होना है। तो जब रिवैल्यूएशन लॉस आए तो हमारी पहली प्रेफरेंस क्या होती है, हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को क्रिएट करना है और हमारे पास सरप्लस का बैलेंस अभी अपडेटेड हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है कितना आ रहा है 978। तो हमने उसको जीरो करना है, हो सकता है वो जीरो ना हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर सारे बुक हो जाएगा। अभी हमारे एग्जाम्पल में लॉस ज्यादा है और बैलेंस कम है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 978 से आ जाएगा और बाकी जो इससे ज्यादा का लॉस है वो पी एंड एल में एज बैलेंसिंग में करके लिख रहा हूँ कितना आ जाएगा 1500। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो हमारा जो टोटल लॉस है वो 2478 है, जिसमें से 1500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस रिकॉर्ड हुआ है और 978 रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हुआ है। अब इन दोनों एंट्रीज को यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। पहले करते हैं जी एलिमिनेशन जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पॉजिटिव या क्रेडिट नेगेटिव, नेट बुक वैल्यू में फैक्ट जीरो या कुछ नहीं आएगा या इंसेंटिव कुछ नहीं आएगा। जी रीवैल्यूएशन लॉस जी एसेट कितने से क्रेडिट हो रहा है 2478 से, ये क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ भी नहीं आया, नेट बुक वैल्यू में यही सम आ गया, सरप्लस डेबिट हुआ, डेबिट मतलब नेगेटिव तो वो भी डेबिट हुआ नेगेटिव। ये जी हमारा 2022 का ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया, एंट्रीज भी हो गई है, बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस ईयर है 10,500 जीरो, जी
साल हमारे पास, पहले पीएनएल की बात कर लेते हैं, चैप्टरी सेशन कितनी आई है 162। रीवैल्यूएशन लॉस स्लैश गेन, इस साल टोटल 2478 का लॉस आया है, जिसमें से 1500 रुपए का नया रिकॉर्ड हुआ है पीएनएल में। और 978 का लॉस कहां बुक हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब है ओसीए। जी 5, 6, 8, 7, 8। ये हमारा फाइनल अमाउंट ऑफ क्या आ गया, प्रॉफिट 5, 6, 8, 7, 8। और ये 5, 5, 9, 10, 10, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, ट्रांसफर की जो एंट्री होती है ना, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रूट नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट नहीं होती। इस साल हमने 122 रुपए क्या किए हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किए। उस एंट्री में भी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ है, लेकिन वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस से जाएंगे, पीपी की नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्या आ रहा है, जीरो। जो रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल का कॉलम है ना, वो हमारी एक वर्किंग है, वो हमारी वर्किंग है, हमने उसको बैलेंस शीट पे प्रेजेंट कहीं नहीं करना। ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या बताया, सब उसी का
मैंने कहा था करना था उसका किया एंट्री तो की है. मैंने कहा था कुछ पोस्टिंग है मेरे देश में. मैंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सर्कुलर टू टेरेक्स की जो रिटेनिंग होता है ना उसको ओसीए पीएनएल में भी लिखते हैं और ओसीए में भी लिखते हैं. 122 रुपये एंट्री की रिटेन्ड अर्निंग का और बैंक बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बनाने की एक प्रैक्टिस एक्ट यानी कि रूल्स है कि वो हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो या फिर हमें क्वेश्चन में खुद ही बैलेंसेस बता दी हो. फॉरेन कॉस्ट का मुझे याद है फिर वन के चैप्टर में रेफरेंस दे रहा हूँ वहां पे एक क्वेश्चन रहता है.